पूरा क्यों बंद किया गया? दोस्तों, हमने पहले भी बताया, तकरीबन एक साल से हम संघर्ष कर रहे थे, प्रशासन से मीटिंग कर रहे थे कि कोटकपूरा के अंदर स्नैचिंग, लूटपाट, दुकानों से सामान उठाना, गोडाउन से उनके सामान उठाना, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई उसका हल नहीं निकाला गया। हालात बद से बदतर होते गए और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि गलत आंसर वेपन लेके हमारे व्यापारियों पर, छोटे छोटे दुकानदारों पर, रेडी फड़ी वालों पर हमला करते हैं। पहले हमला, फिर उसकी जेब में जो कुछ है लूटपाट, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000, उनकी कोई लिमिट नहीं, जो कुछ भी है उसको वहीं गिरा के और रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो कितनी वारदातें हैं? हफ्ते की वारदातें तो हमारे, अगर रजिस्टर देखोगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेन ऐसा होता है कि 5-4 वारदात 4-5 से कम रोज हो ही नहीं रही है। कल की बात करूँ, कल से एजिटेशन चल रही है, कल भी हुआ है। कुछ लोग अगर किसी कोई फंक्शन से आ रहे हैं, कोई जागरण से आ रहे हैं, उन पर भी अटैक हो रहा है, वो भाग के अपनी जान पे नजर आ रहा है। फेलियर प्रशासन की तरफ से, और ख़ास करके मैं कहूँगा सरकार, जिसने पुलिस को अंदर कम भर्ती की हुई है। जब भी हम जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कम है, नफरी कम है। सो कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि प्रशासनिक तौर पे जो हमारी सरकार है उसका मंतव लोगों को बचाना नहीं है, उनका मंतव है अपना मनोरंजन। तो आज आपने बंद करके तो पुलिस विभाग से बात की, क्या आज हमने जो बंद किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोटकपूरा का पंजाब के इतिहास में पहली बार है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी इतने बड़े इकट्ठे के अंदर हाजिर होके अपनी दलील, अपना जो हमारी जो डिमांड्स थी उनको 100% पूरा करने का आश्वासन देके गया हो। ये पहली दफ़ा है। कोटकपूरे का व्यापारी, कोटकपूरे का छोटा दुकानदार, कोटकपूरे के शहरी, कोटकपूरे का रेडी फड़ी वाला, हर एक बशर वहाँ मौजूद था, बिल्कुल मुकम्मल बंद करके अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए, अपनी आजीविका के साथ अपने जीवन को बचाने के लिए। तो क्या आज बंद है, भी आगे भी कोई प्रोटेस्ट होगा? अगर हमने ये कहा प्रशासन को, अगर आप जो आश्वासन देके जा रहे हैं अगर वो पूरा नहीं किया गया तो इससे ज़्यादा भी रोष प्रदर्शन होगा और ये जारी रहेगा, कोटकपूरा से निकल के ये पंजाब तक भी जाएगा। सर, कोटकपूरा च जिहड़ा व्यापारियों ने अज बंद रख के पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ये कुछ तो पुलिस की जी कारगुजारी है वेद कुछ कमियां ने, वो असी जड़ा हैगा उन्हों दूर करांगे। इत्थे जिदा कि पी सी आर की जी नफरी वधाण वाली है वो अज वधाती हैगी, एस पी साहब अज इत्थे आए ने ते उन्हां नाल डिस्कस करके पी सी आर जिहड़े मोटरसाइकल्स ने वो रात नूं ते दिन नूं जिहड़ा हैगा वो दुगने कर दिते गए है। कुछ जिहड़े इत्थे इलाके ने जिथे कि माड़े अंसरां दा ज़्यादा उत्थे जिहड़ा उन्हां दा विचरना ज़्यादा, उन्हां इलाकियां दे विच जिहड़ा हैगा पुलिस वल्लों सख्त ते सख्त कार्रवाई की जानी बनदी है, वो भी जिहड़ा हैगा मेरे ध्यान च आया। कुछ व्यक्तियां दे बाजार दे विच उन्हां नूं जे असुरक्षित महसूस हुंदा उत्थे जिहड़ा हैगा पुलिस की गश्त जिहड़ी है वो वधाई जाएगी। और ये नाल नाल कुछ जिहड़ियां इन्हां दीआं कुछ होर मंगां भी ने, जिहड़े कि जेकर किसी पुलिस मुलाजम की बदली की जरूरत है वो भी जिहड़ा हैगा असीं अज या कल दे विच जिहड़ा विचार करके उन्हूं जिहड़ा हैगा पूर्ण करांगे। सर, जिन्होंने हमला किया सी की उन्हां दा कोई सुराग पता लगा भी कौन सी? उन्हां दे बारे च पता चलिया हैगा, उन्हां नूं भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये संबंध के एक व्यक्ति नूं कल जिहड़ा हैगा पुलिस ने राउंड अप भी किया होया ते उन्हां नूं भी जल्द तो जल्द। सर, जिला व्यापारियों नाल गल होई की मन्ने हुण तुहाडी गल मन्नी उन्होंने? उन्होंने जिहड़ा हैगा पुलिस दे विच उन्होंने अपना विश्वास जताया और मैं भी उन्होंने कहा हैगा कि उन्होंने जिहड़ा हैगा वधिया कारगुजारी करके असीं दवांगे। पुलिस चौंकी हुंदी सी पहलां, काफ़ी देर चौंकी रही, बड़ा वधिया माहौल रहा उदों, उस चौंकी करके उस एरिए काफ़ी जिहड़ा फायदा होया सीगा चौंकी दा। हाँ, वो मैं ज
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ। ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਮਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ।